बेस मॉडल की जो असली पहचान है या जो बेस मॉडल में असली फीचर्स ऑफर किए जाते हैं ना, वो चीज इस 3XO में ऑफर की गई है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा 3XO का सबसे बेस वेरियंट MX1 वेरियंट है भाई। इसके ही बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेस वेरियंट का जब आप नाम सुनते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि फीचर्स गाड़ी में बिल्कुल ना के बराबर होंगे, पर भाई जो चीज महिंद्रा ने इस गाड़ी के साथ किया है ना, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और खासकर भाई बेस वेरियंट के साथ ब्लैक कलर मिल जाए तो गाड़ी का जो रुतबा है ना और बढ़ जाता है। सबसे बेहतरीन चीज इस गाड़ी के साथ ये की गई है भाई, इस गाड़ी की कीमत सिर्फ 7,49,000 में ये गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई, आखिरकार इस बेस मॉडल के साथ साथ 7,49,000 में क्या कुछ फीचर जो है आपको दे दिया गया है। और ब्लैक कलर में भाई गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी प्रीमियम लगती है। इस गाड़ी में टोटल आपको 3 इंजन मिल जाते हैं, पर इस वेरियंट में आपको एक ही इंजन मिलेगा, 1.2 लीटर का नेचुरल स्पीड इंजन। कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल मैनुअल ही मिलेगा। सबसे पहले भाई इस गाड़ी की चाबी की बात करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो की जो है वो देखने को मिल जाती है। किसी भी चाबी में आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है, नॉर्मल तरीके से गाड़ी में की को डाल के गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर जो आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। महिंद्रा का लोगो यहाँ पे ऑफर किया गया है और गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलैम्प यूनिट यूज की गई है। ये पूरा फुल तरीके से आपको DRS मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर के साथ DRS का यही काम करेगा। और इसके बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि बाई फंक्शनल काम करेगा। लो बीम और हाई बीम आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके लोअर ग्रिल में देखेंगे तो मैट फिनिश वगैरह का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। सिल्वर स्किड प्लेट इसके बेस मॉडल में भी ऑफर की गई है। उसके साथ साथ ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसे निकल के आती है। अगर जो आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से भी गाड़ी भाई बिल्कुल भी कम नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये की गई है कि आपको 205/65R 16 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी और चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS EBD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर्स होते हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। और खासकर इस ब्लैक कलर के साथ ये जो क्लैडिंग है ना छिप जा रहा है, पर जब आप रियल आंखों से देखेंगे तो काफी बेहतरीन से लुक निकल के आ रही है। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, महिंद्रा के द्वारा भाई छोटी छोटी जगहों पे काफी अच्छे तरीके से बारीकी से ध्यान रखा गया है। ये जो ORBM है बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर मिलेगा, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स में जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से गाड़ी भाई लाजवाब लगती है। और बेस मॉडल में भाई ब्लैक कलर मिल जाए तो गाड़ी का जो रुतबा है वो काफी बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी ऑफर की गई है। सबसे पहले मैं टेल लैंप जो है वो ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। जब भाई इसे ऑन कर देते हैं तो काफी बेहतरीन सा लुक जो है वो आपको मिल जाएगा। पूरा फुल तरीके से आपको LED मिलेगा। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। XUV 3XO की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो। कोई भी कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो गाड़ी टू करके आपको बताती रहेगी कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और रियर से या फ्रंट से भाई बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी बेस मॉडल है। अगर यहाँ स्पॉइलर लग जाएगा ना तो टॉप नॉच वाली जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। इसके रियर में भी देखेंगे तो सिल्वर स्क्रीन प्लेट जो है वो भी ऑफर की गई है। 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और यहाँ टेल लैंप पे देखेंगे तो एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो यूज किया गया है। गाड़ी को आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलेगा, पर यह कि हाई मॉडल स्टॉप लैंप जो है वो आपको ऑफर कर दिया गया है। रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो आप कुछ इस तरह इसे ओपन कर सकते हैं। 345 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे मान लीजिए दो बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सीट है इन्हें आप फोल्ड भी कर सकते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं और आसानी तरीके से आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके बाहर का है। चलिए भाई अंदर ले चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका सेकंड रोल जो है वो चेक करवाना चाहूंगा। डोर की बात करेंगे तो डुअल टोन आपको डोर मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। नो डाउट भाई बेस मॉडल की जो असली पहचान है या जो बेस मॉडल में असली फीचर्स ऑफर किए जाते हैं ना, वो चीज इस 3XO में ऑफर की गई है। यहाँ देखेंगे तो डुअल टोन मिल जाएगा, यहाँ से हम मिरर अप डाउन कर सकते हैं। डोर ओपनर्स के साथ साथ बोटर होल्डर, पेपर होल्डर के साथ साथ सारी चीजें जो है वो ऑफर की गई है। ऐसी कुछ सीट जो है वो फोल्ड हो जाएंगी, इन्हें आप कुछ इस तरफ अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ये भी सीट अनफोल्ड हो जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। कंफर्ट कैसा है मेन चीज तो वो है। और नो डाउट जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छा खासा मिल जाएगा, लेग रूम भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। और बेस मॉडल में भाई 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाए तो गाड़ी का जो केबिन है वो भाई काफी कूल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। टाइप सी चार्जर के साथ साथ स्टोरेज दिया गया, आईफोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हो गया इसका 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट। तो भाई ये चीजें बेस मॉडल में मिल जाए तो जो गाड़ी का फील है ना भाई वो बढ़ जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन
लाइट ऑफर की गई है, दोनों साइड आपको ग्रे बंडल्स ऑफर किया गया है। गाड़ी के डिजाइन के हिसाब से ये जो रूफ आप देख रहे हैं ना, काफी प्रीमियम लगता है। ये है कि लॉन्ग टाइम में थोड़ा गंदा हो सकता है, रियल आंखों से देखेंगे ना तो काफी प्रीमियम लगता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। चलिए भाई, फ्रंट इंटीरियर प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है कि आप गाड़ी को बटन से अनलॉक कर लीजिए, ऐसे की को डाल के ही गाड़ी को अनलॉक करना होगा। तो जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ऑफर की गई है भाई, चारों पावर विंडो के साथ साथ ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप वन टच डाउन कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर ये भी चीज भाई काफी अच्छी ऑफर की गई है, वो आरबीएम के एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बोटर होल्डर, पेपर होल्डर और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ डोर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सीट की बात करेंगे भाई तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। इसके बेस मॉडल में ये है कि हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्यूल टैंक आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कई सारी बटन्स दी गई हैं। पहला हो गया हाइड्रोजन का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। ये चीज जो आपको बेस मॉडल में दी गई है, ये चीज आपको बेस से लेकर टॉप तक देखने को मिल जाएगी। गाड़ी में बैठते हैं भाई, क्या कुछ ऑफर किया गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD 6 एयरबैग जो है इसके बेस मॉडल से देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ महिंद्रा का लोगो यहाँ पे ऑफर किया गया है। हेडलाइट कंट्रोल यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस हिसाब से गाड़ी बेस मॉडल है उस हिसाब से तो काफी बेहतरीन सी MID जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर ऑफर किया गया है। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AV माइलेज वगैरह इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी ऑफर की गई है। कई सारी गाड़ियों में देखते हैं भाई आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे मोड जो हैं वो दे दिए जाते हैं, पर आपकी इस 3XO में आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भाई स्टीयरिंग मोड जो है वो दे दिया गया है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं कम्फर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट, तीन मोड आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें नॉर्मल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको डे नाइट IR भी मिल जाएगा। सेंटर में देखते हैं भाई तो ज्यादातर गाड़ियों के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है भाई, तो म्यूजिक सिस्टम आप एसेसरीज में या आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। उसके बाद भाई ये जो पूरे पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरा फुल तरीके से ग्लॉसी फिनिश का यूज देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 2.8 बैंड्स मिल जाएगा, 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। ये स्टीयरिंग के मोड के बटन्स हो गए, उसके साथ साथ ये सारे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, सिंगल जोन ही मिलेगा। थोड़ा नीचे देखते हैं तो टाइप सी चार्जर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। स्टोरेज दिया गया है, कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, और इसके बेस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है भाई सिर्फ 7,50,000 रुपया ना, तो काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है या काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है ये निकल के आता है। ये पूरा ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाएगा, 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। तो इंटीरियर में ऐसा नहीं है कि भाई आपको बेस मॉडल दिया जा रहा है तो फीचर्स के साथ साथ डिजाइन वगैरह में फर्क मिलेगा। डिजाइन वगैरह वो जो टॉप मॉडल में मिलेगा वही डिजाइन आपको बेस मॉडल में मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो एक अलग तरीके की थीम यूज की गई है, डार्क सिल्वर के साथ AC वेंट्स का जो थीम है वो देखने को मिल जाता है। कई सारी जगहों पे भाई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है, कहीं ना कहीं देखेंगे भाई तो काफी सारी अच्छाइयां हैं। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। तो आप यहीं से जो इसका बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। अगर जो आप पेट्रोल इंजन की पावर की बात करते हैं तो 108 bhp की पावर, 200 cm का टॉर्क निकालता है। जो आप माइलेज की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस गाड़ी से आप 15-17 के एम्पीयर की जो माइलेज है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल, और इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर दीजिए। और ऐसे ही नई गाड़ी की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।